तो गाइस आज के इस वीडियो में फ्री इलेक्ट्रिसिटी एयर पंप बनाने वाले हैं इस दो बोतल का यूज करके। तो आपको पता चलेगा हम कहां से इस बोतल को लाए हैं, अब इसी का यूज करके फ्री इलेक्ट्रिसिटी एयर पंप बनाने वाले। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इस दो कैप को जो है हमको होल करना पड़ेगा यहाँ पे। किस तरह से करते हैं नहीं करते सारा चीज हम आपको अब दिखाते हैं। तो गाइज 100% फ्री इलेक्ट्रिसिटी एयर पंप बनाने के लिए कुछ सामानों की जरूरत पड़ेगी आपको, जैसे कि ये दो बोतल का जो पहले ही बता दिए हैं, और ये चार आई का, ठीक है, जो ज्वाइंटर कहते हैं, इसका जरूरत पड़ने वाला है आपको। और गाइज एक एयर स्टोन का आप देख सकते हैं, ये वाला एयर स्टोन का जरूरत पड़ने वाला है, और ये दो पाइप का, ठीक है। आप पाइप का यूज अपने एक्वेरियम की दूरी के अनुसार कर सकते हैं। तो गाइस हमारा थोड़ा एक्वेरियम ऊपर है, तो हम दो दो मीटर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप भी अगर यूज करना चाहते हैं तो दो मीटर ले सकते हैं, आपके लिए बेटर होगा। तो सबसे पहले हमको इसमें जो है तीन होल करना पड़ेगा, दो इसमें या फिर एक इसमें और दो इसमें, ठीक है। तो फटाफट से हम होल करने के लिए जो है देखिए ये सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसके बराबर में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम होल कर देते हैं। ये गाइस ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है दो करना है, तो गाइस इसमें भी देख सकते हैं दो हो चुका है होल। अब सोल्डिंग आयरन का काम खत्म हो गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं दो होल इसमें किया गया है और एक इसमें किया गया है, एकदम परफेक्ट साइज का, ठीक है, इसके साइज का। तो अब इसको इसमें लगाना होगा हमको, ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। और इसको जो है एयर टाइट करना होगा ताकि एयर इससे निकले ना, ठीक है। तो हम फिलहाल ऐसे ही यूज करने वाले हैं, देखते हैं काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो इसमें ग्लू लगा देंगे, ठीक है। और एक इसमें इस तरह ये ढीला हो रहा है, ये इस तरह से आपको लगा के इसमें ग्लू लगाना होगा, एयर टाइट करना होगा, जरा सा भी एयर जो है अंदर या बाहर ना जा सके, ठीक है। तो इस तरह से इसको एयर टाइट करना होगा। तो फटाफट से इसमें गम लगाते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया और इसमें भी एक लगा दिए हैं। अब इसको एक को इसे लॉक कर देना होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको लॉक कर देना है, ये लॉक हो गया। एक में आपको पूरा वाटर से फिल कर देना होगा, ठीक है, और एक को खाली रखना होगा। तो अभी हम जो है इसमें वाटर भर देते हैं, ठीक है, इसमें वाटर भर देते हैं। तो गाइज इसको भी इसमें वाटर भरेंगे और इसको जो है खाली रहने देंगे। तो फटाफट से इसको पैक कर देते हैं वाटर डाल के। तो गाइज आप इस तरह से जो है वाटर भर दीजिएगा। अब आगे का प्रोसेस क्या करना है इसके बाद, जितना बड़ा आपका बोतल का साइज है उतना बड़ा आपको पाइप जो है इतना कट कर लेना होगा, ठीक है। तो गाइस इस तरह से कट कर लेना है और नीचे से जो है यहाँ पे लगा देना है, ये इस तरह से, और एक को जो है इसके ऊपर इस तरह से। अब उसके बाद गाइस इसको जो है लॉक कर देना होगा अच्छी तरह से ताकि एयर जरा सा भी बाहर ना आए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको रेडी करके रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको गाइस आपको एक और छोटा सा टुकड़ा काटना होगा पाइप का, तो हम फटाफट से काट लेते हैं। ये इस तरह से छोटा सा एक टुकड़ा काटना होगा और यहाँ पे लगा देना होगा, ठीक है, देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से। अब इसको इस तरह से लगा देना है, ओके। अब जस्ट इसके बाद गाइस ये जो पाइप कनेक्शन जो किए थे आप देख सकते हैं इस वाटर के द्वारा, वो इसको आपको इसमें डाल देना होगा, ठीक है, ये जिसमें पाइप कनेक्शन हुआ है, तो ऐसे इसमें डाल देना है, ओके। और ये तो कनेक्शन हो गया, कुछ इस तरह से कनेक्शन है, देख सकते हैं आप, देख लीजिए गाइस कुछ इस तरह से कनेक्शन करना होगा। उसके बाद ये सेकंड वाला जो है इसमें आपको इस पाइप को लगाना होगा और इसका इस हिस्सा में जो है ये एयर स्टोन लगाना होगा। तो पूरा सेटअप आप एक बार और देख लीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए ये इस पाइप से जो है इस तरह से कनेक्शन एयर स्टोन का एक निकाल लेना है और यहाँ दूसरे साइड इस वाटर को इस तरह से इस बोतल से अटैच कर देना है, ठीक है। ये हो गया कनेक्शन हमारा।
और ये इधर एयर स्टोन का। तो अब चलिए आपको इसका यूज करके दिखाते हैं, ठीक है? तो उस दुकान में जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। तो फाइनली गाइस, अब जो है हम चेक करने वाले हैं इस एयर पंप को, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी से ये चलने वाला है, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का जीरो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाला है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें सेटअप किया गया है। और एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, देख लीजिए यहाँ पे जो है दो होल भी कर दिए, आप देख सकते हैं पानी ऐसे छूटा है, ठीक है? आप एक बड़ा होल भी कर सकते हैं, हम ऐसे दो होल कर दिए छोटा छोटा, ताकि इसमें जो है वैक्यूम क्रिएट नहीं हो। अगर वैक्यूम क्रिएट होगा तो एयर बबल देगा ही नहीं, इसलिए जो है ये करना जरूरी था। तो आप कनेक्शन देख सकते हैं, एक इस तरफ से जो है यहाँ से निकला है और इसमें कंट्रोलर लगा दिए, और एक जो है यहाँ पे है, ठीक है? इसमें पानी भर दिए, और एक जो है इस तरह से निकला है और इसमें जो है एयर स्टोन लगा दिए, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है? और ध्यान रखिएगा ये जो भरा हुआ बोतल हो वो ऊपर रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये देखिए आपको भरा हुआ बोतल ऊपर रखना है यहाँ पे, और ये जो है ये नीचे रखना है, ठीक है? और इसको थोड़ा सा आपको प्रेस करना है, देख लीजिए ये पानी यहाँ आना स्टार्ट हो गया, दिखा दीजिए। और ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एयर स्टोन भरना मतलब एयर स्टोन बॉल देना चालू कर दिया है। और उसके बाद आप यहाँ से जो है पानी का कंट्रोल कर सकते हैं, पानी कितना स्पीड में आपको देना है, और ताकि ये डब्बा जो है भरे नहीं, ठीक है? तो यहाँ से आप देखिए इसको कंट्रोल कर देते हैं थोड़ा सा और कम, धीरे धीरे डब्बा भरेगा। ये आप देखिए बूंद बूंद गिर रहा है पानी, ये बूंद बूंद पानी गिर रहा है, और ये जो है एयर स्टोन बहुत अपना काम कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी एयर पंप चालू हो गया, हम अभी यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे दिखा दीजिए, तो देख लीजिए गाइस ये जो है डायरेक्टली यहाँ पे रख दे रहे हैं, ताकि आपसे बातचीत थोड़ा कर सके। तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से कनेक्शन किया गया है यहाँ, तो आप ये देख सकते हैं ये किस तरह से जो है ये वर्क कर रहा है। तो गाइज आप एक बार फाइनली एक बार कनेक्शन देख लीजिए, ये एयर स्टोन से इस तरह से पाइप निकला है और ये यहाँ पे जो है ये चला गया है, ठीक है? ये बोतल में, और ये बोतल में किसी भी तरह से कनेक्शन नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं ये वहाँ पे एयर स्टोन दे रहा है बबल्स, और ये यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन है, और एक बोतल जो है वो ऊपर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंट्रोलर का यूज किए हैं, जितना आपको स्पीड चाहिए एयर स्टोन का उस हिसाब से कर सकते हैं। तो गाइज ये आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी एयर पंप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको और भी आसान तरीका से जानना है तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये बोतल भर जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर से हमको पानी चेंज करना होगा, ये बहुत सारा टाइम लगने वाला है, तो बहुत सारा समस्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए भी हमारे पास उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि और भी आसान तरीका से बताया जाए तो वो भी हम बताने वाले हैं। ये आपको बोतल का झंझट भी खत्म हो जाएगा, एकदम लंबे टाइम तक जो है ये बबल्स एयर स्टोन से देना स्टार्ट करेगा। तो वो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, जल्दी वीडियो ले आएंगे आपके लिए, और उसमें आपको इस तरह से कुछ भी झंझट नहीं रहेगा, और भी आसान तरीका बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।